नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलें कि रीवा रेलवे स्टेशन से पिछले कई वर्षों से मांग होती रही कि रीवा से चलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर को जाने वाली रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर ट्रेन की जो समय सारणी है उसको बदला जाए और इस ट्रेन को हफ्तों के सातों दिन चलाया जाए। पहले ये ट्रेन ICF कोच से चला करती थी, लेकिन अब ये ट्रेन LHB कोच से चल रही है। तो कोच कंपोजिशन तो ट्रेन का बहुत ही अच्छा है। रेल यात्री जन कल्याण संघ के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री प्रकाश चंद सिमनानी जी, इन्होंने भी रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर ट्रेन के समय में परिवर्तन और इस ट्रेन को नियमित करने पर पश्चिम मध्य रेलवे को अपना सुझाव दिया था। आपको बताते चलें कि सतना के जो माननीय सांसद हैं आदरणीय श्री गणेश सिंह जी, इन्होंने रेल मंत्री जी को एक पत्र दिया है। पत्र में लिखा है कि उपरोक्त विषय में समस्त आवेदकगण द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर गाड़ी नंबर 11703 रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस ट्रेन का समय परिवर्तन कराए जाने एवं नियमित संचालन कराए जाने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत अनुरोध पत्र मूल्यांकन संलग्न है। माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि आवेदकों के अनुरोध एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए गाड़ी संख्या 11703 रीवा इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन का समय परिवर्तन एवं नियमित कराए जाने का कष्ट करें। आपको बताते चलें कि पूरा विंध्य क्षेत्र चाहता है और विंध्य क्षेत्र के साथ साथ इंदौर के लोग भी चाहते हैं कि इस ट्रेन का जो समय है उसको परिवर्तन करना चाहिए। ये ट्रेन फिलहाल अभी 11:30 रात को रीवा से इंदौर के लिए रवाना होती है, जो कि 3-4 बजे के आसपास डॉक्टर अम्बेडकर नगर पहुंच पाती है और हफ्तों के 3 दिन ये ट्रेन चलती है। क्षेत्र की जनता चाहती है कि इस ट्रेन को शाम को 4 से 5 बजे के आसपास रवाना किया जाए, ताकि ये ट्रेन सुबह 6 बजे या फिर 5 बजे इंदौर पहुँच सके, ताकि विद्यार्थी वर्ग और जो नौकर पेशी वाले लोग हैं और जो दूसरे काम से जाते हैं वो इस ट्रेन में यात्रा करके सुबह इंदौर पहुंच सकें और दिन भर अपना काम करें और वापसी में इस ट्रेन में बैठ के आ जाएं। आपको बताते चलें कि जैसे महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन की वन वे समय सारणी को बदला गया था, यानी कि निजामुद्दीन से जबलपुर के बीच में जो महाकौशल ट्रेन चलती है इस ट्रेन के समय सारणी को बदल दिया गया, वैसे ही क्षेत्र की जनता चाहती है कि रीवा से डॉक्टर अंबेडकर नगर के बीच में जब ये ट्रेन चले तब इस ट्रेन के समय सारणी को बदला जाए। वापसी की जो इस ट्रेन के समय सारणी है, यानी कि गाड़ी संख्या 11704 डॉक्टर अंबेडकर नगर रीवा की जो समय सारणी है वो सबसे अच्छी है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं करना चाहिए और ना ही जनता चाहती है कि उसका कोई संशोधन हो। जनता यही चाहती है और राजनीतिक जो नेता हैं वो भी यही चाहते हैं कि भाई रीवा से इंदौर के बीच में जो ट्रेन चलती है इस ट्रेन के समय सारणी को बदला जाए। इस ट्रेन का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आपको बताते चलें कि इस ट्रेन को ज़्यादा यात्री ना मिलने का कारण इस ट्रेन का समय ही है। ये ऐसे समय में जाती है कि उसके पहले लोगों के पास ऑप्शन होते हैं रिवांचल का, ओवरनाइट का, तो लोग उसमें यात्रा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि रीवा से जिन यात्रियों को इंदौर जाना होता है वो 11:30 बजे रात तक इस ट्रेन का इंतज़ार वो नहीं करते हैं, वो रिवांचल से भोपाल चले जाते हैं। सुबह 5 बजे भोपाल पहुंच जाते हैं और वहाँ किसी प्राइवेट टैक्सी या फिर बस के साधन से 8:30 बजे या 9 बजे तक इंदौर पहुंच जाते हैं। और ये ट्रेन तो समय ख़राब होने के वजह से लोग इस ट्रेन में यात्रा करने से कतराते हैं। अगर इस ट्रेन का समय परिवर्तन हो जाए, इस ट्रेन को शाम को 4-5 बजे के आसपास रीवा से इंदौर के लिए रवाना किया जाए और ये ट्रेन बढ़िया सुबह 3-3:30 बजे उज्जैन पहुँचे, ऐसे में श्रद्धालुओं को काफ़ी अच्छा दर्शन होगा। और इनके अलावा 5:30 से 6 बजे ये ट्रेन इंदौर पहुंच जाए। अगर ये ट्रेन का समय हो गया तो मान के चलिए ये ट्रेन ये सुपरहिट हो जाएगी। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।